सात साल पहले की बात है। विनय वर्मा नाम का एक शख्स गोरखपुर से जिला पंचायत का चुनाव लड़ने आया। अपनी धमाकेदार एंट्री से वह चुनाव के पहले ही सुर्खियों में आ गया। भाजपा के गढ़ में निर्दल चुनाव लड़कर जीतने के बाद वह और भी चर्चा में आ गया। उस समय तो भाजपा उनको जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ाने की इच्छुक थी, पर कुछ वजहों से ऐसा नहीं हो सका। बावजूद इसके विनय अपने कार्य व्यवहार से लगातार चर्चा में बने रहे। अब वह भाजपा से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। वह स्वर्णकाल समाज से ताल्लुक रखते हैं। उत्तर प्रदेश में इस समाज की आबादी करीब 6% है। आबादी के अनुसार परंपरागत रूप से भाजपा का वोटर रहे इस समाज का सत्ता में भागीदारी नहीं के बराबर है, इसलिए वह विधानसभा के टिकट के दावेदार हैं। उनकी माने तो यह सिर्फ उनकी नहीं, उनके पूरे समाज की चाहत है। विनय को 313 विधानसभा क्षेत्र खलीलाबाद 313 से प्रत्याशी बनाए जाने की मांग स्वर्णकार समाज के राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी और पिछड़ा आयोग के सदस्य ने भी की है। इसके अलावा समाज से जुड़े नगर पंचायतों, पालिकाओं के अध्यक्ष, चेयरमैन, भाजपा संगठन के विभिन्न जिलों के पदाधिकारी, कई सामाजिक और लगभग हर जिले के स्वर्णकार संगठनों ने भाजपा शीर्ष नेतृत्व को विनय वर्मा को उक्त सीट से टिकट देने की मांग को लेकर पत्र लिखा है। समाज के लोगों का कहना है कि वर्तमान समय में विधानसभा में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है जो हमारे हक व अधिकार की बात को संवैधानिक रूप से सरकार के सामने रखे, इसलिए इस बार विधानसभा चुनाव में हमारे समाज के विनय वर्मा को टिकट देकर विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व तय किया जाए, ताकि सदन में भी हमारे हक हुकूक की बात कोई पूरी दमदारी से रख सके। मालूम हो कि विनय वर्मा गोरखपुर स्थित बांसगांव तहसील के ऐतिहासिक गांव मलाव के रहने वाले हैं। वह कौड़ीराम क्षेत्र से 2015 में निर्दल जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। जिला पंचायत सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल उनके कार्य व्यवहार के नाते लगातार चर्चा में रहा। कोरोना काल के दौरान भी उनके द्वारा गांव-गांव मदद पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया गया। सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत सदस्य चुनकर सरकार भी इनके काम को सराह चुकी है। समाज सेवा करते हुए उनको 2 दशक से अधिक हो गए। इधर 1 दशक से वह स्वर्णकार समाज को जोड़ते, उसे जागरूक करने के काम में तन मन और धन से जुटे हैं। उनके इस जोश, जज्बे और जुनून का उनका समाज भी कायल है। यही वजह है कि वह दिल से चाहता है कि विनय सदन में जाकर उनकी आवाज बने। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्वर्णकार समाज से जुड़े नगर पंचायतों, पालिकाओं के अध्यक्ष, चेयरमैन, भाजपा संगठन के विभिन्न जिलों के पदाधिकारी, कई सामाजिक और स्वर्णकार संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा, अजमेर जी महाराज तुम्हें बधाई है, सत्य शिवम सुंदर, सत्य शिवम सुंदर, हमारा ही परिवार है। गर्व से कहो हम सुनार है, सुनार है, गर्व से कहो हम सुनार है, सुनार है। सारे जहाँ के हम बड़े ही मूलाधार है, सारे जहाँ के हम बड़े ही मूलाधार है। गर्व से कहो हम सुनार है, सुनार है, गर्व से कहो हम सुनार है, सुनार है। भारत माँ की पैजनिया हम गले को हार है, भारत माँ की पैजनिया हम गले को हार है। गर्व से कहो हम सुनार है, सुनार है, गर्व से कहो हम सुनार है, सुनार है। देखिए विनय भैया हमारे समाज के अगुवा हैं और हम लोग वो हमारी अगुवाई कर रहे हैं। हम लोग विनय भैया के मार्गदर्शन में, उन्हीं के मार्गदर्शन में उनके साथ साथ चल रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाते हुए। जैसा हमारे नेतृत्व का निर्देश होगा वैसा पालन किया जाएगा। विनय वर्मा जी के देख रेख में, संरक्षण में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें उन्होंने पूरे प्रदेश के सभी प्रमुख लोगों को फ़ोन करके, सूचना करके बुलाया और विनय वर्मा जी का राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी है।
और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले दिनों में 2022 में विधान परिषद सदस्य के रूप में या विधानसभा के रूप में उनको जरूर स्थान मिले। विनय वर्मा जी एक बहुत ही जाने माने समाजसेवी हैं और समाज के लिए समर्पित हैं और समाज की चिंता करते हैं, दिन रात चिंता करते हैं, और उन्हें अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज की चिंता है। ऐसे में हम लोग चाहेंगे कि विनय वर्मा जी को उच्च स्थान मिले, जिससे कि विधानसभा या विधान परिषद में हमारे प्रतिनिधि चुनकर जाएं। इस उद्देश्य से हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और समाज को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्थान मिले। विनय जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि खासकर जो समाज के इतने दबे कुचले समाज को ऊपर उठाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इतना अच्छा आयोजन किया और लगातार महीनों से इसमें लगे हुए हैं, मैं धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विनय वर्मा जी ने बहुत बड़ा योगदान है और वो भी पार्टी के समकक्ष में ही है और बिरादरी के साथ वो एकजुट होकर के हम सबकी बात वो बड़े से बड़े नेताओं के समकक्ष में रखेंगे, इसीलिए विनय वर्मा जी का इसमें सब लोगों का साथ है और सब लोग उनके साथ रह करके कंधे से कंधा मिला करके आगे हम लोग चलेंगे। विनय वर्मा जी बहुत बड़े एक सामाजिक आदमी हैं, समाज सेवा में उन्होंने अपना जीवन भर न्योछावर कर दिया और आज भी वो समाज की सेवा के लिए उतरे हैं कि समाज की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। वो अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो समाज को अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए समाज को एकजुट होकर के एकजुट करने के लिए आज यहाँ लखनऊ में उन्होंने मीटिंग किया कि अपने अधिकार को आप लोग समझो और शासन प्रशासन में आप लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, ये मेरा प्रयास है। ये विनय जी का सोच है, हम लोग उनके सोच के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। विनय वर्मा जी के लिए आई वुड से कि ये सब वेरी एनर्जेटिक गाय और उनका एक बहुत अच्छी लीडरशिप और मार्गदर्शन जो है जो हम उन सब उनसे सीख रहे हैं, वो हमारा एक यूथ फेस है जिनको देख के हम आगे बढ़ रहे हैं। एंड आई वुड से कि उनकी जो एक रणनीति और एक जो एक प्लानिंग और प्लॉटिंग है वो बहुत अच्छी है, वो सबको साथ में लेके चल रहे हैं और इतना ही नहीं वो समाज के प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठावान और समर्पित है और उनके ही मार्गदर्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जैसा जो उनका आदेश है उस हिसाब से अपन पालन करेंगे। विनय वर्मा हमारे यहाँ के लखनऊ के प्रमुख नेता हैं और उनका रुझान स्वर्णकार सभा को स्वर्णकारों को एकत्रित करने का उनका काम है। विनय वर्मा एक बहुत ही कर्मठ और युवा नेता हैं जिनको हम लोगों को आगे बढ़ाना है, उनको हम राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभा या विधान परिषद उसमें इनको पहुंचाना है ताकि अपने समाज के जो भी कर्मठ हैं जो समर्पण भाव से अपने समाज के लिए सेवा भाव करते रहते हैं तो उनको हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे, इसलिए सारा स्वर्णकार समाज जो है उनके लिए हमेशा सदैव तत्पर रहता है और उनके लिए समर्पित है। और हम लोग इस तरीके से मांग करके अपने प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के लोगों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन सबसे प्रार्थना करेंगे और विनय जी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और लड़कर उनको इस मुकाम तक पहुँचाएंगे। आज के इस समाज को इकट्ठा करने का दायित्व विनय वर्मा जी और आकाश वर्मा चेयरमैन दातागंज, इन्होंने उनके अथक प्रयासों से और बाकी समाज के और कई लोगों के प्रयास से आज पूरे उत्तर प्रदेश के सारे चेयरमैन अन्य गणमान्य बिरादरी के लोग सारे इकट्ठे हुए थे। विनय वर्मा का इसमें रोल सबसे आगे है, उन्होंने ये संगठन करने की क्षमता दिखाई और समाज को आगे ले जाने का संकल्प किया। ऐसे विनय वर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि समाज के लोग ऐसे लोग जो सक्षम हैं हर बात में उनको आगे आना चाहिए, से समाज को संगठित करें और नेतृत्व करें जिससे समाज आगे बढ़ सके। इस कार्यक्रम के आयोजक विनय वर्मा जी एक अपने में बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक ऐसे स्तर पर बहुत स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया और ये आज का कार्यक्रम सफल रहा, उनका ये प्रयास समाज को जोड़ने का राजनीतिक क्षेत्र में लाने का सफल रहा। बैठक की सूचना हम सभी लोगों को मिली थी और आज हम लोग उस बैठक में स्वर्णकार समाज के उत्थान के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमें सूचना मिली कि आज समाज के उत्थान के लिए कुछ चिंतन होनी है जिसमें प्रतिनिधियों का को यहाँ सूचित किया गया है, तो हम लोगों ने यहाँ पर आकर के उस पर चर्चा की है कि कैसे किस प्रकार से सभी लोगों के विचार आए हैं, उस पर निर्णय लिया गया है कि क्या होना है। आने वाला विधानसभा चुनाव में स्वर्णकार समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए जो हम तैयारी कर रहे हैं, जो रैली करेंगे, जो संघर्ष करेंगे, जो आंदोलन करेंगे, उस वो सारा जो है गोरखपुर विधानसभा गोरखपुर जनपद के पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रमुख समाजसेवी विनय वर्मा जी के नेतृत्व में होगा और राष्ट्रीय स्वर्णकार मंच विनय स्वर्णकार समाज के लिए विनय वर्मा जी के नेतृत्व को मंजूरी देता है। विनय वर्मा बहुत ही कर्मठ आदमी हैं, उन्होंने
वहाँ से कोडीराम से जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा, जीता भी, और उन्हीं के आह्वान पर हम लोग सब बिरादरी एकत्रित हुए थे और सब आगे कैसे राजनीति में भागीदारी चाहिए, कैसे करना है, उसी पर चर्चा हुई है और चर्चा संतोषजनक रहा।